नमस्कार साथियों, एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसजी पीजीआई की तरफ से स्टाफ नर्स यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए शानदार और बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा आप लोग इस टाइम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 8000 पदों पर भर्ती होगी। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ नर्स की सबसे बड़ी भर्ती है एसजी पीजीआई की तरफ से। भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू हो जाएगी और जल्द ही समाप्त कर दी जाएगी, और यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जो कैंडिडेट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारी जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप मोटी हेडिंग में देख पा रहे हैं, प्रदेश में 8000 स्टाफ नर्सों की होगी भर्ती। पहले चरण में 1750 पद भरेंगे, जो कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था। 1794 कुछ ऐसे करके पोस्ट निकाली थी, याद नहीं है कन्फर्म। प्रदेश के राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टाफ नर्सों को 8000 पदों पर भर्ती किया जाएगा। 4 वर्षों तक हर साल करीब 2000 स्टाफ नर्सों की भर्ती होगी। तो दोस्तों, अभी से तैयारी में जुट जाइए। जो भी कैंडिडेट स्टाफ नर्स किया हुआ है और नर्सिंग ऑफिसर की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि हर साल है वो 2000 कैंडिडेट की यहाँ पर वैकेंसी करवाई जाएगी एज ए एम्स के तौर पर। पहले चरण में 1790 स्टाफ नर्सों के पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी गई है। अगले 3 महीने के अंदर ही ये भर्ती होगी, और इसके लिए लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा है वो संजय गांधी पीजीए को दिया गया है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी के शासी निकाय की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है स्टाफ नर्स के लिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, क्योंकि आप लोगों को पता है हर एक वैकेंसी की अपडेट टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। तो दोस्तों, एक और शानदार वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।